हेलो दोस्तों, मैं सचिन मगरिया। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा है अपना व्यापार चालू कैसे करें। हर इंसान चाहता है कि वह खुद का व्यापार चालू करे, लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पाता। कारण क्या है? सिर्फ सोचता रह जाता है, इनकम इकट्ठी करते रह जाता है, लेकिन खुद का व्यापार चालू नहीं करता है। ये बहुत एक ऐसा पॉइंट है जो इंसान सोचता है कि मैं एक दिन अब खुद का व्यापार करूंगा, बहुत अमीर इंसान बनूंगा और सब और बहुत सी कल्पना शक्ति में बेहतर रहता है, कि खुद का व्यापार चालू नहीं करता है। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट लेके आए हैं उनके लिए जो खुद का व्यापार चालू करना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं अमित सर से। और आज का ये जो हम लोग ने टॉपिक चुना है, ये आज के वर्तमान समय का बहुत एक चर्चित टॉपिक भी है, क्योंकि आज का युवा कंफ्यूज रहता है कि मैं डिग्री पूरा करने के बाद बिजनेस करूं या जॉब करूं। क्योंकि हमारा जो पुराना माइंडसेट कहता है कि जॉब ज्यादा बेहतर थी, लेकिन पुराने माइंडसेट के हिसाब से अगर आज की आप कंडीशन देखें, तो आज की कंडीशन में मैं दो तीन ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिस कारण से आप देखेंगे कि बिजनेस जॉब से ज्यादा बेहतर होंगे। पहला मैं कंडीशन आपको ये बताऊंगा कि आज जितनी महंगाई बढ़ रही है, अगर आप उस महंगाई को देखें और अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है वो है जॉब, और वो भी कब तक है आप नहीं जानते, और उस जॉब में आप एक महीने की सैलरी से घर आप चला नहीं पा रहे, आप बहुत मुश्किल आपको हो रही है, और बीच में अगर किसी दिन आपको जॉब छोड़ना पड़े, जॉब से निकाला गया, तो आप तुरंत अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और आपके खर्चे पूरे चलने बंद हो जाते हैं। तो जॉब में क्योंकि आप सिक्योरिटी रही नहीं, इसलिए बड़ी दिक्कत है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि विगत 45 साल में अगर हम देखें तो भारत की सबसे बुरी स्थिति जॉब में आज देखने को आपको मिल रही है। आज आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स के बीच में नौकरियां कम हो गई है और यंगस्टर्स ज्यादा हो गए, और ज्यादातर यंगस्टर अगर जॉब पा भी लेते तो वो लगातार मन मार के काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पसंदीदा फील्ड उनको मिल नहीं पा रही है। वो सिर्फ मन मार के काम कर रहे हैं, इधर उधर से चला रहे हैं अपना, और कहीं भी इस कारण से जॉब वो लीव करके चले भी जा रहे हैं। और तीसरा एक बहुत ड्रास्टिक फिगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आज भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.9% हो चुकी है, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट रेट है। यानी इस रेट से अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हमारे आने वाले यूथ जो पीछे ऑलरेडी हमसे जुड़ते जा रहे हैं और आगे वालों के लिए नौकरियां नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है। इस कारण से आप जॉब की जगह बिजनेस को अगर आप प्रेफर करें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो स्थिति आपके लिए भविष्य में और जो है वो गंभीर होती जाएगी और फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। तो क्या सर आज आवश्यकता बनते जा रही है जॉब करना? आज आपका ये ध्यान रखिएगा कि जॉब करनी आपकी आवश्यकता सिर्फ इसके लिए है कि आप शुरुआती एक्सपीरियंस आप ले लें, पर इसके भरोसे अगर आप रिटायरमेंट तक अगर आप रहना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज ऐसी जॉब कोई भी नहीं रही जो रिटायरमेंट तक आपको दे सके। यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर के जॉब्स में भी आज फुल टाइम कोई कर नहीं पा रहा, कई लोग तो पब्लिक सेक्टर के जॉब्स भी छोड़ के स्व व्यापार में आजकल आ रहे हैं। तो क्या सर जो व्यापार करना रहता है शुरू में सर क्या कुछ दिक्कतें होती हैं? देखिए, कोई भी व्यापार को स्थापित करने में, उसको चलायमान बनाने में थोड़ी दिक्कत तो आपको होगी, लेकिन अगर आपने उस समय को अगर अच्छे से आपने निकाल लिया तो आपके आने वाले फ्यूचर और आपके पारिवारिक जिम्मेदारी आप ज्यादा बेटर निकाल सकते हैं। क्योंकि जॉब में आप वही के वही बने रहते हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं, पर व्यापार में अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए तो फिर आपके आने वाली पीढ़ियां भी काफी अच्छा ग्रोथ करती है। सर आप किस पॉइंट में आगे हमें समझाएंगे कि कैसे व्यापार, क्या क्या समझाने वाले हैं आप? आजकल हम लोग 10 पॉइंट में चर्चा करेंगे जो व्यापार को जॉब से बेहतर बनाने जो मानते हैं उनके लिए भी पॉइंट्स अच्छे हैं, और जिन लोग को जॉब के बेहतर रखते हैं तो उनके लिए भी 10 पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये पॉइंट दो दो करके हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो सर शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप जिंदगी में खुद का बॉस स्वयं बनना चाहते हैं तो आप बिजनेस जरूर करें, क्योंकि जॉब में आप अपना बॉस कभी नहीं बन सकते, चाहे आप कितने बड़े डिपार्टमेंट या पोस्ट में आप वर्क कर रहे हैं। तो बिजनेस करें, अपना बॉस खुद बने। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में फ्रीडम के साथ पैसा कमाना चाहते हैं, नाम शोहरत कमाना चाहते हैं, तो बिजनेस करें, क्योंकि अगर नौकरी में आप रहेंगे तो फ्रीडम आपका डिसाइड आपका बॉस करेगा, और अमूमन ये फ्रीडम भी आपकी कब छिन जाए आपको पता नहीं। तो बिजनेस करें और स्वयं फ्री रहकर अपने और कामों के लिए भी समय निकालें। सर देखा गया है कि मैंने देखा है कि जनरली लोग बिजनेस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, और दो दो लाख एक एक लाख या मान के चले 50-50 हजार का मोबाइल हाथ में रखते हैं और रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम बिजनेस नहीं कर सकते। जो एक हंसी वाली बात है कि नहीं सर? देखिए, ये वाली बात अक्सर देखी जाती है कि कई लोग सीधा बहाना बना देते हैं, सर हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम बिजनेस कैसे करें। और बिजनेस करने के लिए पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो आपके पास आइडिया हो कि आपको करना क्या है, और दूसरा ये है कि आप अगर स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाल सकते
तो आप ये कर सकते हो कि आप किसी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कॉन्ट्रैक्ट करके उनके माल को लेकर अपने नाम से आप ब्रांडेड करके बेच सकते हैं। तो कम लागत से भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपको ये बहुत जल्दी थोड़ा स्टार्ट करें जिससे आप जल्दी से जल्दी बिजनेस को एक बड़ा ब्रांड बना सके। तो सर ये कारण नहीं है कि पैसा ना होना एक कारण माना जाए? नहीं, पैसा कारण नहीं है। आप छोटे बिजनेस, जितना आपका पास कैपिटल है उतना आप बिजनेस को स्टार्ट करें, और आइडिया आपके पास मेन होना चाहिए कि आप क्या यूनिक समाज को दे सकते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत तेज चलेगा। सर तीसरा और चौथा पॉइंट बताइए। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल अपने हाथों में रखना चाहते हैं, यानी अपने हिसाब से उठना, अपने हिसाब से कार्य करना, और साथ ही अपने हिसाब से आप जिंदगी का जीवन यापन करना चाहते हैं, बिजनेस बहुत बड़ी चीज आपके लिए है, क्योंकि इसमें आप सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आपको किसी से पूछ के नहीं काम करना, यहाँ तक कि जो घूमने फिरने भी जाना है तो आप आराम से जा सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है आपका कि अगर आप फैमिली के साथ ज्यादा अगर समय बिताना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार फैमिली के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं और उनके साथ आप अच्छे गोल्डन टाइम्स बिताना चाहते हैं, तो बिजनेस इज द मेन थिंग, क्योंकि इसमें आपको बॉस से नहीं पूछना पड़ता कि मैं कब घर में आऊं कब ना आऊं, और आप अपने फैमिली को अच्छा रिस्पांस देकर फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं बिजनेस में। सर लोग पैसा लगाने से बिजनेस में डरते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं आप? देखिए, रिस्क इस लाइफ में पैसा लगाना नहीं है, रिस्क इस लाइफ में यह है कि आपने अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो उस बिजनेस को आप चला नहीं पाए। तो मैं ये सलाह आपको देना चाहता हूँ कि आप पहले बिजनेस में रिसर्च अच्छे से कर ले, और रिसर्च करने के बाद आप क्या करें फिर पैसा लगाए, तो आपका बिजनेस में पैसा डूबने का चांस खत्म हो जाएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि बिजनेस करने से पहले थोड़ी जॉब जरूर कर ले, जिससे आपको मार्केट का अनुभव हो और आप एक बेहतरीन बिजनेसमैन बन सके। सर पांचवा छठवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई ये चाहता है कि आप बहुत अच्छे जो है वक्ता बने, आपके सोशल स्टेटस अगर बने, तो जॉब में देखिए सोशल स्टेटस जल्दी बन नहीं सकता, क्योंकि आप ज्यादातर अपने में काम नहीं करते और आप फ्री नहीं होते कि आप क्या कर सके। लेकिन अगर बिजनेस आप करते हैं तो अपने सोशल स्टेटस में आप काम कर सकते हैं, आप अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं, अपने प्रोफाइल को अपनी मर्जी से चला सकते हैं, पॉपुलर भी ध्यान रखिएगा बिजनेसमैन बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जॉब में क्योंकि आपको हर बार बॉस के अंडर चलना पड़ता है तो आप कभी पॉपुलर नहीं हो पाएंगे। तो डू बिजनेस अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं। सर कहा जाता है कि जो लोग साल भर में जॉब करके कमाते हैं, बिजनेसमैन वो एक महीने में कमाते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उनको 10-15 साल देना पड़ता है, क्या ये सही बात है? सर देखिए, सर थोड़ा आगे चलो, बिजनेसमैन बिजनेस की अगर हम बात करें तो इनकम जो है, ये इनकम आपका भले थोड़ा सा धीरे से स्टार्ट होता है, पर इस इनकम को आप फ्यूचर में बहुत जल्दी बहुत मल्टीपल फिगर्स में आप क्या करते हैं मल्टीपल हाउसों को देखते हैं। तो हम लोग का तो ये कहना है कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में आपको इंक्रीमेंट भी कितना मिलता है, 500 का इंक्रीमेंट मिल रहा, 1000 का इंक्रीमेंट मिल रहा, धीरे धीरे आप बढ़ते हैं। बिजनेस में अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले तो एक बार में आप बहुत ऊपर इंक्रीमेंट ले सकते हैं, और कई बार तो ऐसा भी रहता है कि 2-3 साल के अंदर आपका बिजनेस जो है वो मिलेनियर बिलेनियर भी बन सकता है, जबकि जॉब में मिलेनियर बिलेनियर आप कभी नहीं बन पाएंगे। तो आप डेफिनेटली क्या करें बिजनेस करें, अगर आप बहुत हैंडसम इनकम अगर आप अपने पास देखना चाहते हैं। सर कंटिन्यू करिए सर। मैं सातवां पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेविंग्स भी बनाना चाहते हैं, तो अगर सेविंग्स बनाना है तो सेविंग्स बनाने के लिए भी क्या करें, आपके बिजनेस करें, क्योंकि जॉब में जो सैलरी आपको मिलती है, सैलरी मात्र आपके इनकम को क्या करती है, सिर्फ आपके घर को खर्च चलाने के लिए सैलरी आपको मिल रही है। लेकिन अगर आप सेविंग बढ़ाना चाहते हैं, डू बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में कमाई इतनी रहती है कि आप सेविंग्स आराम से कर सकते हैं। और बिजनेसमैन का एक फायदा और भी है, टैक्स प्लान बिजनेसमैन बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि जॉब में आप जितना कमाते हैं आपको उतने का टैक्स पे करना होता है, बिजनेस में ये रहता है कि आपके पास क्योंकि स्वयं का व्यापार है तो कितना टैक्स आपको पे करना है वो आप क्या कर सकते हैं स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। तो इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग के लिए बिजनेस बहुत जरूरी है। कंटिन्यू करिए सर आपके पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो है हम डेवलप करना चाहते हैं, 2-3-4-5 साल के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा एक खुद का रेपो हो, तो बिजनेस में आपका रेपो बहुत जल्दी बढ़ सकता है, तो आप क्या करें बिजनेस करें। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है खुद के नॉलेज को
टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने नॉलेज, उनके पास नॉलेज काफी होता है, उनके पास सामाजिक इंटेलिजेंस होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर्स के होते हैं। जबकि जॉब की जब बात करें तो जॉब में आप ना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, ना आप कोई सामाजिक इंटेलिजेंस रखते हैं। तो आप अपने अंदर क्या करें, नॉलेज इतना, नॉलेज जो है आपका इतना अच्छा बढ़ जाता है बिजनेस करने से कि आप एक खुद जो है रेपुटेड पर्सन समाज में कहलाते हैं। और बड़े बिजनेसमैन को तो गवर्नमेंट्स और जो बड़े अधिकारी होते हैं वो भी काफी पसंद करते हैं, उनकी राय भी काफी न्यूज चैनल्स भी मानते हैं। सर, कई लोग जिम्मेदारी लेने से घबराते हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहते हैं सर? देखिए, जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी जिंदगी का एक फैक्टर है जो आपको एक ना एक दिन पूरा करना है। और जिम्मेदारी को इस तरीके से आप पूरा करें कि आप घर के लिए अर्निंग्स शानदार तरीके से ला सके, जो आपका जॉब कभी आपको दे नहीं सकता। तो बिजनेस करने पे क्या होगा, अर्निंग्स आपको बहुत अच्छी मिलती है, तो आप जिम्मेदारी अपनी घर की, सामाजिक और देश की जिम्मेदारी है वो आप एस बिजनेस में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, ना कि जॉब करके। सर कंटिन्यू करिए सर, आगे चलिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो जॉब है उस जॉब में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, ये पॉइंट कई बार रहता है कि आप इतने सालों से बॉस के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें हाँ इंक्रीमेंट के नाम पे कुछ मिलता नहीं है, उल्टा प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ाया जा रहा है और हमारी जो स्वतंत्रता जो रहती है वो भी हमारी छीनी जा रही है। तो आप क्या करें, बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस में आपकी तरक्की आपके हाथों में है, आप फ्री है अपने हिसाब से फैसले लेने के लिए। अगर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी आपको बनानी है तो बिजनेस जरूर करें, तो डिसीजन बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे कुछ मैं पॉइंट्स में रिसर्च करके आज मैं आपके लिए लाया था जिसमें बिजनेस जॉब से क्यों बेटर है वो मैंने आपको बताया। भविष्य में ऐसे वीडियोस वैसे और भी हम लोग बनाएंगे। सर कुछ और मैं आप जानना चाहता हूँ मैं आपसे। जी सर, आगे रहिए सर थोड़ा, और घूमते घूमते करते तो और अच्छा लगता है। सर क्या अपने काम में इंसान थकता नहीं है? व्यापारी जो व्यापार करते हैं वो थकते नहीं है? आप किसी व्यापारी को देखिएगा, उसका टाइम शेड्यूल जो रहता है, कई व्यापारियों का 12-12 घंटे 14 घंटे का टाइम शेड्यूल रहता है, और आप देखते हैं कि वो सुबह जितना फ्रेश और एक्टिव रहता है, शाम को भी व्यापारी उतना फ्रेश एक्टिव रहता है, और रात को भी जब सोता है तो वो नए नए फैसले करता है, डिसीजंस लेता है, रिसर्च करता है। तो क्योंकि अपना काम आपका रहता है इसलिए आप थकते नहीं हो, और एज व्यापारी आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट है क्योंकि वो मुनाफा हमारे पास ही टोटल आना है, तो इसलिए आप और ज्यादा क्या है इंटरेस्टेड आप होते हो उस काम को करने के लिए, और इसलिए व्यापारी की भी थकता नहीं क्योंकि पूरा नाम शेयर प्रॉफिट सब कुछ आप ही का है। सर और मैं जानना चाहता हूँ सर, थोड़ा व्यापार को समझने में समय लगता है, और कई लोग व्यापार चालू करते हैं और वो समय नहीं देते, बंद कर देते, उनको कैसे लगेगा? देखिए, जल्दबाजी जो है वो इंसान को खा जाती है, और जल्दबाजी के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं कि व्यापार अपना जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समय लें, आपको जितना मुनाफा चाहिए, जितना नाम चाहिए, हो सकता है शुरुआत में आपको ना मिले, पर अगर आप ठहरे रहेंगे बिजनेस में, अगर आप सर्वाइव कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली आगे मौके मिलते हैं। तो आप क्या करें, समय थोड़ा सा निकालें, ये आपके लिए जरूरी होगा। सर एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, एक पीएचडी करने वाला बंदा भी व्यापार नहीं कर पाता। हाँ। पीएचडी करने वाला बंदा भी व्यापार नहीं कर पाता, तो क्या कारण है सर? देखिए, पीएचडी वाला जो बंदा रहता है वो हमेशा रिसर्च फैक्टर पे ध्यान देता है, पर वो रिसर्च भी क्यों करता है? सिर्फ नौकरी करने के लिए रिसर्च करता है। अगर वो पीएचडी वाला रिसर्च करे जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए, और बिजनेस के साथ अपने प्रोफेशन को कैसे वो और तेज बनाए उसके लिए अगर रिसर्च करे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं पीएचडी वालों को ये कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को रिसर्च करना बहुत अच्छा सिखाया जाता है, तो आप उस रिसर्च को जॉब के लिए ना करके बिजनेस के लिए करें, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को आप इतना बढ़ा ले कि आप आराम से जो है बिजनेस कर सके और एक अच्छा हैंडसम इनकम, नाम और शोहरत आप हासिल कर सके। सर आज का जो समय है, जैसे कोविड काल, वो जॉब को ज्यादा प्रेफर करता है या बिजनेस को ज्यादा प्रेफर करता है? कोविड काल में तो भाई मैं यही बता रहा हूँ कि भले ही थोड़े से व्यापार को नुकसान गया है, पर मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि थोड़े समय का नुकसान जरूर है, पर इसके बाद व्यापारी वापस जैसे ट्रैक आएगा तो वो वापस क्या कर लेंगे, बिजनेस को आगे बढ़ा लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये कि भाई बिजनेस आप करें, थोड़ा घाटा जरूर अभी है लेकिन आपको फायदा आगे मिलेगा, पर जॉब में तो आपको निकाल दिया जाता है डायरेक्ट, और नई जॉब को ढूंढना इस समय कितना मुश्किल है ये आप भी इस समय बेहतर जानते हैं, क्योंकि सभी को लॉसेस बहुत तेज है। बहुत अच्छा सर, आज हमने जाना कि बिजनेस क्यों जरूरी है, व्यापार क्यों जरूरी है, और व्यापार करके इंसान कितना आगे बढ़ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। शुक्रिया।